हाजी अली में और आपको पूरी हाजी अली का विज़िट करा दूंगा, वो भी अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ स्किप मत करना, डिटेल पूरी बता दूंगा, मेरे साथ बने रहिए। आपकी तलाश में आपके लिए एक नई तलाश लेकर आए हम आज हाजी अली में और आपको आज हाजी अली का पूरा अच्छे से विज़िट कराएंगे, हर एक चीज़ अच्छे से आपको बताएंगे। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे जा रहा हूं अभी हाजी अली की ओर। स्टार्टिंग में कुछ छोटे मोटे स्टॉल पड़ते हैं जो आप देख सकते हैं, जैसा ये कान में के हैं और छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप ले सकते हैं। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमको आपको बहुत नई नई चीज़ें दिखेंगी। ये गार्डन है जहाँ पे अभी काम चालू है, पहले लोग यहाँ पे आराम किया करते थे, जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे आराम करते हैं, बट अभी उसका काम चालू है। तो अभी यह टनल जो आपको हाईवे के नीचे से टनल बनी हुई है जो आपको हाजी अली के पास लेके जाती है, तो अब मैं अब उस टनल के नीचे हूँ और आपको अभी बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए हैं और आपके काम आने वाली है। तो ये देखिए, ये दुकान जितनी भी दुकानें हैं सब आपको एकदम चीप प्राइस में चीज़ें मिलेंगी। ये 150 से 100 रुपए के बीच में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाजू में लेडीज़ का सामान है, मेकअप का, वो भी आपको 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में मिल जाता है। और ये हार हैं, हर तरह के, हर वैरायटी के नेकलेस, हार, गले में खूबसूरत दिखने वाली चीज़ें, इसकी कीमत मात्र सिर्फ 150 से लेकर 300 के बीच में है। और आप देख सकते हैं किस किस तरह के वैरायटी के हैं, ये हाथ के कंगन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये हारों को आप देख सकते हैं सिर्फ 150 रुपये में। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप हाजी अली आते हैं तो आप पूरी शॉपिंग करके चले जाएंगे। ये आपको हार को मैं करीब से क्लोज से दिखाता हूँ कि कितने खूबसूरत चीज़ें हैं, और बाकी भी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सिर्फ 150 रुपये में है, ज़्यादा कीमत है नहीं इसकी, सिर्फ मात्र 150 रुपये में। और अभी आगे चलते हैं और आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये ऊपर की लेवल में देख सकते हो, बड़े खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन हार हैं यार, बहुत प्यारी चीज़ें आप ले सकते हो, आप परचेस कर सकते हो, बड़ी आसान चीज़ें हैं। हाथ के कंगन हैं, ब्रेसलेट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं। ये देखिए नीचे की साइड में, ये पूरा अच्छे से इसलिए मैंने क्लोज किया हूँ ताकि आप लोग जब भी आए कोई चीज़ों को अच्छे से देखें। ये कान में के एयरिंग है, बहुत अलग अलग वैरायटी के हैं, आप जिस तरह से चाहोगे उस टाइप के आपको यहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ के बीच में। इससे ज़्यादा सस्ता चीज़ तो शायद मैं देखा ही नहीं किधर। यहाँ पे क्लोथ्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये बेल्ट 100 रुपये के अंदर, ज़्यादा कीमत है नहीं, बस 100 रुपये के अंदर हैं। और इसके आगे आप देखेंगे ये बैग बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें 150 से 100 रुपये के बीच में। ये वॉच देख सकते हैं आप, सिर्फ 100 रुपये 150 रुपये में हर वैरायटी की, हर तरह की डिजिटल वॉच, लुकिंग बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वॉच को ज़रा करीब से देखो आप, और भी ये जो वॉच हैं ये सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये के अंदर हैं। फॉरेन टाइप के हर चीज़ के वॉच हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं हाजी अली दरगाह की ओर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आगे हैं, आपको बताऊँगा मैं। अभी रोड पर का पानी हट चुका है क्योंकि अभी तक यहाँ पे ना पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा रोड पूरी तरह पैक था। अभी भी लहरें उठ रही हैं, रोड पे पानी आ रहा है, बट अब हम दरगाह के करीब जाएंगे और दरगाह को अच्छे से देखेंगे। अब आया हूँ दरगाह के पास, सामने देख सकते हैं मीनार दरगाह की, और ये दीवार का मेन गेट, बड़ा प्यारा और खूबसूरत गेट है। तो अभी हम दरगाह के अंदर चलते हैं और देखते हैं दरगाह को अंदर से। तो अभी मैं अंदर दरगाह के अंदर जा रहा हूँ और देख रहे हैं आप ये ज़ायरीन दरगाह के अंदर कितने सारे ज़ायरीन हैं। तो अब हम दरगाह को करीब से जाकर देखते हैं, तो चलो।
और ये आरामगाह है और ये पूरी बिल्डिंग आप लोगों को आराम करने के लिए जो भी जायरीन आती है वहाँ पे आराम करते हैं। तो अभी मैं अंदर से जाके आपको पूरी तरह बताऊंगा कि किस तरह की इसके अंदर बैठने के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। और अभी देख लो फिलहाल ये जो लोग अंदर बैठे हैं ये खाना भी खा रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, जो भी जायरीन आते हैं आराम करते हैं। ये सेकेंड फ्लोर है ऊपर का, अब यहाँ बैठ के खाने के आर्डर दोगे तो खाना आपको वहाँ बैठे आ जाएगा। जैसा देखते हैं कि बंदा अभी खाना लेके आया है और ये खाना सर्व कर रहा है, तो आप इसी तरह खाना खा सकते हैं यहाँ पर लाकर या मंगा कर। और ये मज़ार शरीफ, अभी अंदर काम चालू है तो आप करीब से ज़ियारत नहीं कर पाओगे, तो आपको दूर से ही ज़ियारत करना पड़ेगी। देख सकते हो ऊपर काम चालू है अभी। और ये मज़ार शरीफ, यहाँ पे ज़ायरीन आके फातिहा देते हैं। और बाजू में लेडीज़ लोग हैं, जो वहाँ लेडीज़ लोग का अलग है और जेंट्स लोग का ए साइड में है। ये जेंट्स लोग ये फातिहा दे रहे हैं और लेडीज़ का वो साइड में है। तो बहुत सारे ज़ायरीन हैं और इसके पीछे है वज़ू खाना। तो आपको अभी मैं वज़ू खाने की तरफ लेके जाता हूँ और आप देखोगे वज़ू खाना, ये वज़ू खाना, यहाँ पे वज़ू खाना वज़ू है। यहाँ पे वज़ू करके आप नमाज़ पढ़ सकते हो क्योंकि इसी के बाजू में मस्जिद है। और ये मस्जिद देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद बड़ी खूबसूरत है। ये मस्जिद को देख सकते हैं, मार्बल का पूरा काम हुआ है मस्जिद का। मिलते हैं नए वीडियो में नई तलाश के साथ फिर नई जगह में। तब तक के लिए आपका नवाज़ आपसे अलविदा लेता है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। आपका अपना नवाज़, इसी की तरह आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर जगह पर चला जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।